माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव जी ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर के सभी संत महात्मा एवं सनातन परंपरा के मानने वाले जो व्यक्ति गौ माता का आदर सम्मान करते हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा फैसला है। यह फैसला स्वागत योग्य है और यह मांग संत महात्मा बहुत पहले से कह रहे थे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित किया जाए। माननीय न्यायाधीश ने राष्ट्रीय पशु के लिए कहा है, उनका भी सम्मान है, लेकिन हम लोगों के लिए गाय पशु नहीं है, गाय तो हमारे लिए गौ माता है और वह पूरे राष्ट्र की गौ माता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि गौ माता का हम पूजन करें, अर्चन करें, उनकी सेवा करें। आज की जो गौ माता की दशा है वास्तव में वह चिंताजनक है और इस सब के जिम्मेदार हम ही आप हैं, कोई दूसरे धर्म वाले नहीं हैं, हम ही आप हैं। गाय को हम पालते हैं, जब तक दूध देती है तब तक उसको पालते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यह गलत है और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वह निश्चित रूप से दंड का भागी होगा। अगर दंड सरकार ने देगी तो भगवान जरूर देगा। इसलिए राष्ट्र गौ माता हमारी हैं और हम तो न्यायाधीश से ऐसा निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्र गौ माता घोषित करें तो और अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई गांवों में गौशाला खोली है, सुविधाजनक है, पर अभी उसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। तो एक बार पुनः माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का सब संत महात्मा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उसका स्वागत करती है और हम ही नहीं सारे सनातन परंपरा के लोग भी उसका आदर सम्मान करेंगे। केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसका कानून बना करके संसद में ला करके कानून बना करके इसको तत्काल पारित करें ताकि राष्ट्र गौ माता जब घोषित हो जाएंगी तो हम आप सब उनका सम्मान तो पहले से करते हैं और करेंगे और जगह जगह गौशालाएं हैं उनका भी सम्मान। और सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि गौ माता के नाम पे जो भी राशि सरकार देती है उसका आप सदुपयोग करें, क्योंकि गौ माता की राशि यदि आप किसी प्रकार का